सांवला रंग, मामूली चेहरा, चेहरे पर छोटी मूंछ और बड़ी आंखें। अपनी अदाकारी से नायकों को भी फीका कर देने वाला हास्य कलाकार हीरो से भी ज्यादा फीस लेने और फिल्मों को हिट कराने की गारंटी देने वाला हास्य कलाकार, और इस कलाकार का नाम है महमूद। साठ और सत्तर के दशक के फिल्मों को जब भी आप देखेंगे तो उसमें हास्य कलाकार महमूद आपको जरूर दिखेंगे। ये एक तन्हा ऐसे कलाकार थे जो फिल्मों में हीरो के पैरोल किरदार निभाया करते थे। इनकी फीस किसी फिल्म के हीरो से भी ज्यादा थी। इनकी तस्वीर पोस्टर पर हीरो के साथ लगती थी और जिस किसी फिल्म में ये काम करते थे तो वो फिल्म सुपरहिट मानी जाती थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में कॉमेडी किंग महमूद का क्या क्रेज था। इस वीडियो में हम आपको इसी महमूद की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कभी बस में टॉफी बेचने वाले और अंडे की दुकान लगाने वाले महमूद फिल्मों में कैसे आए, वो कौन सा वक्त था जब महमूद टैक्सी चलाया करते थे, किस फिल्म ने उनकी किस्मत बदल दी और वे इतना महंगा और प्रसिद्ध हास्य कलाकार कैसे बन गए। ये तमाम जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदी सिनेमा के सबसे सफल कॉमेडियन में से एक महमूद का पूरा नाम महमूद अली है। इनका जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। महमूद के पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। यूं तो महमूद ने बचपन से ही बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अपनी गरीबी और तंगी की वजह से उन्होंने कभी बस में टॉफियां बेची तो कभी अंडे की दुकान लगाई। इसके अलावा घर की खर्ची के लिए उन्होंने टैक्सी भी चलाने का काम किया। महमूद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने मशहूर अदाकारा मीना कुमारी को कुछ समय के लिए टेबल टेनिस की कोचिंग भी दी थी। खैर, हर कलाकार की तरह इन्होंने भी अपनी शुरुआती जिंदगी में खूब संघर्ष किया। कई साल तक ये जूनियर आर्टिस्ट के रूप में भी काम करते रहे। फिल्म प्यासा, CID और दो बीघा जमीन, ये वो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है, लेकिन धीरे धीरे अपनी अदाकारी से वे दर्शकों के चहेते बन गए। इनकी डिमांड बढ़ती गई, महमूद को कॉमेडियन के किरदार में मजा आने लगा और महमूद ने भी ये भांप लिया कि दर्शक उनको किस रूप में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि महमूद को कॉमेडी किंग जिन फिल्मों ने बनाया वो कुछ ही चुनिंदा फिल्में हैं जिसके बाद महमूद की किस्मत ही बदल गई थी। साल 1968 में सुनील दत्त और सायरा बानो की आई फिल्म पड़ोसन में शास्त्रीय संगीत शिक्षक मास्टर पिल्लई का किरदार। साल 1966 में आई फिल्म प्यार किए जा में एक एम्बिशियस फिल्म मेकर आत्मा का किरदार। साल 1974 में आई फिल्म कुंवारा बाप में महेश का किरदार, और इसी तरह से साल 1965 में आई फिल्म गुमनाम भूत बंगला, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं और फिल्मों में निभाए गए किरदार हैं जिसने महमूद की किस्मत ही बदल डाली थी। इन फिल्मों में प्यार किए जा और कुंवारा बाप जैसी फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। महमूद ने कपूर खानदान की तीन पीढ़ियों पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर की फिल्म हम जोली में नकल कर
दर्शकों को हंसा हंसा कर खूब लोटपोट किया और इस तरह से महमूद ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें हम जोली, पड़ोसन, ससुराल, आंखें, दो फूल, जिंदगी, गुमनाम, दिल तेरा दीवाना, प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, भूत बंगला, वारिस, पारस और वरदान जैसी फिल्में शामिल हैं। महमूद हिंदी फिल्म के एक सुपरस्टार तो थे ही, लेकिन उनकी शख्सियत भी काफ़ी सरल और ज़मीन से जुड़ी हुई थी। वे दूसरों की मदद भी खूब किया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई अभिनेताओं के साथ सिर्फ इसलिए काम किया ताकि उनके करियर को बूस्ट मिल सके। उन्होंने संगीतकार राहुल देव बर्मन को फिल्म छोटे नवाब के लिए काम करने का मौका दिया, जो कि बॉलीवुड के लिए एक नायाब तोहफा बनकर उभरे। इन्होंने अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिनों में मदद करने के लिए बॉम्बे टू गोवा में खास तौर पर बच्चन के करियर को आगे बढ़ाने के लिए बनाया। लेकिन कहते हैं ना, समय का चक्र बदलता रहता है और ऐसा ही हुआ। 70 के दशक में ही हिंदी सिनेमा में असरानी, कादर खान और जगदीप जैसे नए कॉमेडियंस आ चुके थे और इनके आने के बाद महमूद के करियर में थोड़ी गिरावट भी आने लगी। अब कॉमेडियंस के रूप में बॉलीवुड के पास विकल्प थे और इसमें कोई शक नहीं कि जगदीप, कादर खान और असरानी जैसे कलाकार अपने आप में एक एक्टिंग स्कूल हैं और फिल्मों में इनका हर किरदार बोलता है। खैर, हम किसी कलाकार को किसी दूसरे कलाकार से तुलना तो नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी एक अपनी अलग पहचान होती है। काम करने का सबका अपना अलग तरीका होता है और निर्भर ये करता है कि दर्शक किसको किस रूप में पसंद करते हैं। ऐसा ही इन कलाकारों के साथ भी हुआ। महमूद चूंकि एक लंबे अरसे तक हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाते रहे, वहीं अब दर्शकों को भी कुछ नया चाहिए था और जगदीप, कादर खान और असरानी के रूप में उन्हें मिल भी गया। खैर, बॉलीवुड के इस बेमिसाल कॉमेडियन का वक्त के साथ स्वास्थ्य ने भी साथ देना छोड़ दिया। वे बीमार रहने लगे थे और आखिरकार 23 जुलाई 2004 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। महमूद आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी देखते हैं तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं और आज भी हिंदी सिनेमा इन्हें याद करता है। तो ये थी हास्य कलाकार महमूद की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियाँ। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।